किस तारीख को दस्तक देगा मानसून, कब मिलेगी गर्मी से राहत, मौसम एजेंसियों की भविष्यवाणी जान लीजिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून की पहेली अब इसके भारत पहुंचने पर भी उलझ गई है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून 4 जून को केरल पहुंच सकता है। वहीं प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट ने इसके 7 जून को पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। इससे पहले मानसून इस बार कैसा रहेगा, इसे लेकर भी दोनों एजेंसियों ने अलग अलग दावे किए थे। दक्षिण अंडमान सागर और निकोबार द्वीप समूह में दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिन में आ सकता है। IMD के अनुसार इस साल मानसून सामान्य समय से 3 दिन की देरी से 4 जून को केरल पहुंचेगा। इसमें 4 दिन आगे पीछे होने की संभावना बनी हुई है। मानसून के केरल पहुंचने का सामान्य समय 1 जून है। IMD के अनुसार पिछले 18 सालों में 2015 को छोड़कर मानसून के केरल पहुँचने का आकलन सही साबित हुआ है। वहीं स्काईमेट के अनुसार मानसून 7 जून को केरल पहुंच सकता है। इसमें 3 दिन आगे पीछे होने की संभावना है। जून में मध्य और उत्तर भारत में मौसम गर्म ही बना रहेगा। स्काईमेट के अनुसार एक शक्तिशाली चक्रवात इस समय भूमध्य रेखीय अक्षांश और दक्षिण प्रायद्वीप में दक्षिण हिंद महासागर के ऊपर बढ़ रहा है। इसे साफ होने में 1 हफ्ते का समय लगेगा। इसकी वजह से मानसून का बहाव रुक रहा है। मौसमी मॉडल बता रहे हैं कि समुद्र की स्थितियां 7 जून से पहले मानसून के अनुकूल नहीं है। पिछले 10 सालों में मानसून 2018 और 2022 में अपने समय से पहले पहुंचा। वहीं 8 जून 2019 को मानसून सबसे देरी से पहुंचा है। ऑनवर्ड हमने शुरुआत कर दिया, जो जो पैरामीटर्स है मानसून के लिए, माने मानसून प्रोग्रेस नापते हैं, वो ऑलरेडी मॉनिटरिंग स्टार्टेड। अभी क्या हुआ, आपने पिछले दिनों में सुना है एक चक्रवाती तूफान था, भीषण चक्रवाती तूफान, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये था मोचा, MOCHA, प्रोनाउंसिएट करेंगे तो मोका। तो ये पासेज के बाद ब्याप बंगाल में थोड़ा मानसून का डिस्टर्बेंस आ गया। अभी जो मॉडल प्रेडिक्शन हमें दिखा रहा है, मे बी ये रिकवर विद इन 7 डेज होना चाहिए। तो ये है रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑफ मानसून, इसीलिए जो लिटिल बिट डिले हो भी सकता है, बट मॉडल एरर इज प्लस माइनस 4 डेज। माइनस 4 डे हो गया तो नॉर्मल और बिफोर नॉर्मल भी हो सकता है, जस्ट और नियर नॉर्मल डेट में हो सकता है। अभी आपका सवाल, कंट्री एज ए होल प्रोडिक्शन 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, यहाँ पे मॉडल एरर प्लस माइनस 5%। एल नीनो इफेक्ट ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, माइल्ड इफेक्ट सेकेंड हाफ ऑफ मानसून। तो ये अभी तक इसका अपडेट आई फील ये महीना एंड तक रिगार्डिंग मानसून कैसा रहेगा रीजन वाइज, ये भी अपडेट आ जाएगा। एंड स्लोली जैसे जैसे मानसून मेनलैंड ऑनसेट होने के बाद हमारे प्रदेश में कब क्या एंट्री लेगा, ये बारे में अपडेट्स देते जाएंगे। 96% प्लस माइनस 5% मॉडल एरर। तो इसका और एक आपने सुने होंगे रिगार्डिंग एल नीनो के वजह से थोड़ा बहुत एक आशंका है, चिंता है कि मानसून कैसा रहेगा। मे बी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आएगा, बट थिंग इज एल नीनो इज अ ग्लोबल फैक्टर, ये हमारे प्रदेश का मानसून को मॉनिटर कंट्रोल नहीं करेगा, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज एल नीनो संभावना 1-to-1 रिलेशन मानसून के साथ नहीं है। यूजुअली देखा जाता है कि एल नीनो ईयर्स में मानसून थोड़ा खराब होता है, बट ऐसा भी ईयर्स है जहाँ पे एल नीनो रहते हुए भी मानसून अच्छा हुआ। ये बार जो एक्सपेक्टेड है, आप जानते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग जून टू सितंबर ये 4 महीने मानसून मानते हैं। तो ये पीरियड में एल नीनो इफेक्ट एक्सपेक्टेड सेकेंड हाफ ऑफ मानसून में आएगा, एंड दैट टू ये होगा माइल्ड टाइप मध्यम प्रकृति। नेचुरली जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, इम्पैक्ट कंट्री एज ए होल एल नीनो का कुछ नहीं होगा एवं हमारे प्रदेश में अपडेट फर्दर दिया जाएगा। सर आता सध्या तापमानाची जी आहे, टेम्परेचर जे आहे ते 40 घरात दिसते, मॉन्सूनला अजून वेळ आहे, पण आता ही हीट वेव याला म्हणता येईल का आणि टेम्परेचर ग्रॅज्युअली कब कम होगा? यस, आपका ये जो सवाल है रिगार्डिंग उष्णतेची लाट, ये आपको कम्युनिकेट करना है मीडिया थ्रू कि ये साल उष्णतेची लाट केवळ तुरळक ठिकाणी आमच्या प्रदेशमध्ये था, ज्यादा कुछ हुआ नाही, वो स्पेशली कोंकण तुरलक ठिकाणी नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र एवं
विदर्भा ये जगह तुरलक ठिकाणी उष्णतेची लाट कभी कभी हुआ था एवं वेल प्रेडिक्टेड। आप कंपेयर करेंगे इसको लास्ट ईयर के साथ, लास्ट ईयर टेम्परेचर ये पीरियड मैंने आपका दिस इज समर का थर्ड महीने मार्च अप्रैल में ये तीन महीने समर, तो थर्ड महीने मतलब ये पीरियड औसत जो तापमान जिसके आधार पर उष्णतेची लाट होने का शक्यता है वो है समथिंग अराउंड 43-45 प्लस टेम्परेचर जाएगा स्पेशली विदर्भ नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र ये सब जगह। और ये साल 45 तक गया ही नहीं, 41-43 डिग्री। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन इज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये साल तापमान उतना ज्यादा हुआ नहीं, उष्णतेची लाट वॉज कन्फाइंड टू तुरलक ठिकाणी ओनली एंड दैट टू फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सही। CEN News देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।